इस वीडियो में हम सीखेंगे नोड जेएस में माई एसक्यूएल आर्डर बाय शार्ट द रिजल्ट, मतलब कि जिस नाम से देंगे हम नेम से देंगे तो नेम से शार्ट करके दे देगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे और कंट्रोल पैनल माई एसक्यूएल और अपाचे दोनों को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद फिर ये जो हमारी न्यू टेबल है, डाटाबेस का नाम है न्यू, ये यहाँ पर, और इसमें डाटाबेस लिखा हुआ है, इसको हम शार्टिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसकी npm install MySQL की। तो यहाँ पर हम npm install कर लेंगे SQL को, क्योंकि अभी इंडेक्स फाइल है हमारा, यहाँ पर SQL इंस्टॉल नहीं है। तो इंटर किया, यहाँ पर हमारा ये MySQL इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर एक फोल्डर बन गया न्यू मॉडल और पैकेज JSON का और एक JSON फाइल। और अब हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल MySQL require फंक्शन हमें कोई भी फाइल को इंक्लूड करने की अनुमति देता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर MySQL कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर, रूट और पासवर्ड का नाम दे दिया हमने यहाँ पर, और डाटाबेस का नाम यूज कर लिया हमने न्यू। उसके बाद यहाँ कनेक्ट कर लिया फंक्शन एरर, इव एरर और थ्रो एरर, और शार्ट के लिए हमने प्रोग्राम लिखा क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्डर बाय नेम, मतलब नेम से हमें यहाँ पर आर्डर बाय मिल जाए, फंक्शन एरर रिजल्ट, इफ एरर हो तो थ्रो एरर, और कंसोल डॉट में हमें रिजल्ट मिल जाए यहाँ पर। इसको सेव कर दिया हमने यहाँ पर और अब यहाँ पर इसको रन कर देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम नोड index.js और इंटर किया हमने यहाँ पर, यहाँ रिजल्ट हमें मिल गया रिजल्ट। अब हम यहाँ पर डिसेंडिंग आर्डर में नेम को लेंगे, तो हमें यहाँ सिर्फ लिखना है DESC लिखेंगे, सेव कर देंगे इसको हम यहाँ पर और प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर नाम ये उल्टे क्रम में आ गई है, इधर असेंडिंग आर्डर को यहाँ डिसेंडिंग आर्डर में कर दिया हमने यहाँ पर, ये उल्टे क्रम में आ गए हैं, ये भी नाम है हमारे।